सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज है जुलाई की पहली तारीख और मैं लेके आया हूं आपके लिए हर बार की तरह एक बार वापस से दोस्तों महीने की पहली तारीख को वीडियो, जहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर कौन से मोबाइल फोन से देखने को मिलेंगे इसी महीने मार्केट में। लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग सी है, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे मार्केट में यार फोन्स तो बहुत सारे आने वाले हैं अभी इस जुलाई के महीने में। हालांकि उन फोन्स में जो ऐप्स को यूज करते हैं उसमें से यार 59 ऐप्स बेचारी नहीं रहेंगी फोन्स में, खैर उनके जाने की हमें बहुत ज्यादा खुशी है। यहाँ उस हम बात करते हैं, आगे वीडियो में बढ़ते हैं, उससे पहले आप बस जल्दी से अभी का भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर हम करें दोस्तों शुरुआत, तो यार एक फोन है जिसके लिए मैं भी यार पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है एसुस के गेमिंग फोन ROG 3 की। यहाँ पर दोस्तों ये जो ROG Phone 3 है लगता है कि जुलाई के महीने में आ जाएगा इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों खैर Asus जो है वो और बाकी फोन्स भी लेके आ सकता है, जहां पर दोस्तों बजट रेंज में या बोलूं अगर मिड रेंज रेंज में तो दोस्तों फोन आने वाला है Asus का Zenfone Max Pro M3। उसके अलावा दोस्तों यहां पे Asus का जो है वो 7Z भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो है एकदम ट्रूली फ्लैगशिप, एकदम मतलब टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग स्मार्टफोन की, जो कि है Asus ROG Phone 3। जैसी आएगा आपको फिर उसका अनबॉक्सिंग वीडियो मिल ही जाएगा। दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं लिस्ट में आगे, तो Motorola जो है उसने अपना एक अच्छा फोन लॉन्च किया दोस्तों, Motorola One Fusion Plus। तो उसके बाद से लगता है कि यार बजट रेंज में कुछ और अच्छा काम शायद Motorola जल्दी ही करने वाला है, जहां पे हमको दोस्तों फोन्स मिल सकते हैं Motorola Edge Lite और इसके अलावा Motorola One Fusion। अब दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली कि दोनों में से कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है या जो भी होता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जुलाई के महीने में Motorola की तरफ से शायद एक ना एक फोन तो जरूर देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो एक और चीज जो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है वो है OnePlus की तरफ से अपकमिंग फोन, जो कि है OnePlus Nord। इसका हमने यार बहुत सारा ही जो है वो देख लिया था नाम, कभी OnePlus Z, कभी OnePlus 8 Lite या जो भी है, लेकिन यहां पर दोस्तों भी कंफर्म हो चुका है कि OnePlus Nord जो है वो इंडिया में बहुत जल्दी आने वाला है। हालांकि जो रूमर्स चल रही हैं वो है दोस्तों तारीख 10 जुलाई की, देखते हैं एग्जैक्टली कि OnePlus को कब लॉन्च करता है। लेकिन अगर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहां पर दोस्तों ओप्पो जो है वो अपने रेनो 4 लाइनअप को इंडिया में लेके आ सकता है। अभी एग्जैक्टली ये पक्का पक्का कंफर्म नहीं है कि जुलाई में ही लेके आएगा, लेकिन चांसेस दोस्तों हैं कि शायद जल्दी लेके आ सकते हैं, तो शायद हम Oppo Reno 4 भी देखेंगे जुलाई के ही महीने में। अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो यहां पर दोस्तों एक ऐसा फोन है जिसका शायद आप सभी बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, और ये दोस्तों Poco का कोई फोन। तो यहां पे चांसेस बड़े स्ट्रांग लगते हैं कि जुलाई के ही महीने में दोस्तों हम देखेंगे Poco के M2 Pro स्मार्टफोन को। हमने हालांकि बहुत बार जो है वो सोचा कि कौन सा होगा ये फोन, क्या ये Poco का F1 होगा या F1 तो आ चुका है, मतलब F2 Pro से पहले F2 होगा या F1 Pro होगा, या मतलब बहुत सारा यार कंफ्यूजन था। लेकिन अभी लगता है कि शायद दोस्तों ये फोन जो है ये होगा Poco का M2 Pro, जो कि बहुत बार खैर लीक हुआ है बीच बीच में। अगर दोस्तों देखें यहाँ पे आगे नजर डालें, तो Redmi जो है वो अलग अलग फोन्स यहाँ पे लॉन्च करने वाला है, जहां पे दोस्तों Redmi 9, Redmi Note 9 और साथ में Redmi K30 Pro। अब यहाँ पे दोस्तों अगर फोन बहुत सारे हैं, साथ में Redmi 9A भी हो सकता है क्या पता, लेकिन अब पता नहीं सारे के सारे जुलाई में आ जाएंगे या नहीं, लेकिन ऐसे में चांसेस बहुत स्ट्रांग लगते हैं कि इनमें से जरूर एक या दो फोन्स तो हम देखेंगे जुलाई में लॉन्च होते हुए, Redmi 9A, Redmi 9, Redmi Note 9 या फिर एक फ्लैगशिप फोन Redmi K30 Pro। आगे दोस्तों अगर हम बात करें Redmi के साथ, तो यार Realme को कैसे मिस कर सकते हैं, जहां पे Realme के दो फोन्स लगता है जुलाई में आ सकते हैं, Realme C11 और साथ में Realme का 6S। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि दोनों फोन्स आखिर कब लॉन्च होते हैं, एक साथ में होते हैं या अलग अलग होते हैं या कोई एक ही में आता है, लेकिन वैसे मुझे काफी स्ट्रॉन्गली लगता है कि दोनों ही फोन्स आने चाहिए जुलाई के ही महीने में इंडियन मार्केट में। अगला उसका जो अपडेट है वो है यहाँ पे पिक्सल 4a का। ये तो पता नहीं हम कब से इंतजार कर रहे हैं यार कि पिक्सल 4a आएगा आएगा आएगा, डिले पे डिले पे डिले पे डिले, अभी तक दोस्तों डिले चलता जा रहा था, लेकिन ऐसे में लगता है कि ये भी जुलाई के महीने में लॉन्च हो सकता है, इंडिया में जुलाई में ही आ जाएगा, इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन लगता है कि शायद ग्लोबल लॉन्च यार अब तो बहुत हो गया, अगर अब नहीं लॉन्च करोगे तो फोन भैया पुराना हो जाएगा। देखते हैं एग्जैक्टली कि गूगल क्या करता है इसी पिक्सल 4a के साथ में। और यहां पर दोस्तों लास्ट में नाम निकल के आता है वीवो के X50 सीरीज का। तो यहां पर दोस्तों तीन फोन्स थे इस सीरीज में जो कि लॉन्च हुए थे ग्लोबली, अभी लगता है कि ये इंडिया में भी बहुत जल्दी लॉन्च हो सकते हैं, तो ऐसे में जुलाई का महीना ऐसे सामने आ रहा है कि ये फोन आने वाले हैं इंडियन मार्केट में। अब देखते हैं कि ये जो फोन्स है वो आखिर किस कीमत पे आते हैं। जो कैमरा है वो काफी एडवांस्ड है, वो गिम्बल मैकेनिज्म के साथ में आता है, मतलब दौड़ो भागो तो वीडियो एकदम सही सा बनेगा। देखते हैं कि क्या होती है कहानी इसी वीवो X50 सीरीज की। लेकिन दोस्तों खैर अभी ये जो पूरी लिस्ट है, तरह तरह के बहुत सारे फोन्स हैं, और साथ में अगर हम बात करें एक और चीज जो कि
कंफर्म नहीं है, और थोड़ा सा मतलब ये है क्या पता आ भी जाए, मतलब सरप्राइज दे सकता है दोस्तों, वो है सैमसंग। क्योंकि सैमसंग जो है वो, खैर एक चीज तो कंफर्म है ही कि S20 का जो BTS एडिशन है S20 Plus स्मार्टफोन का, वो इंडिया में लॉन्च करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज के दो फोन आए थे जून के महीने में, तो जुलाई में शायद A सीरीज का कोई फोन ना मिले, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज के हमको फोन देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब पूरा मिक्स मसाला सा ये, आप समझ रहे हो ना मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। अब आप करिए बताओ कि इतने सभी फोन्स में से आप सबसे ज्यादा कौन से फोन का इंतजार कर रहे हो। वैसे कुछ लोग जो है वो टिकटॉक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, उसका तो इंतजार बस दूर से ही बस टाटा कर सकते हैं उसको, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप बताइए कि क्या है आपकी राय इसी फोन लिस्ट के बारे में, और आप किस फोन का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, जैसे लॉन्च हो बस सीधा आप उसको खरीद ही ले दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।